बैक टू माय न्यू वीडियो। आज है रमजान का डे 23 और मैं जा रहा हूँ अभी अपने मतलब बाथरूम का गेट टूट गया हमारा, तो वो लेने के लिए मतलब खरीदने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि तो भी मैं और मेरे अब्बू हम दोनों जा रहे हैं मार्केट घूमने के लिए। तो ये है वेलकम की मार्केट, शुरू होती है यहाँ से। यहाँ पे आप देख रहे हो सब लोहे लोहे की मार्केट है, उससे परली वाली पुलिया पर यहाँ मिलता है पूरा लकड़ी लकड़ी की मार्केट। यहाँ पे ऐसी दो तरह की ये मार्केट्स हैं, और वहाँ पे रेडीमेड यहाँ पर भी सब कुछ मिल जाता है आपको। आप यहाँ पे रेडीमेड बनवाओ या फिर आप बनवा लो अपने साइज़ दे के खुद से। ये देख रहे हो आप, ये रेडीमेड बने हुए हैं, ये सारे बिल्कुल बने बनाए तैयार होकर रखते हैं। अगर मेन मेन साइज़ बना के रखते हैं जो नॉर्मल एवरेज साइज़ होता है, ठीक है, और फिर अगर आपका साइज़ बड़ा या छोटा है तो आप देके बनवा सकते हो। जैसे कि अभी देख रहे हो आप, ये उल्टा हाथ से जो है हमारे ये जो है डिज़ाइन करवाया हुआ है किसी ने अपने हिसाब से। ये देख रहे हो आप, ये किसी ने बनवाया अपने लिए, तो ऐसे आप बनवा सकते हो यहाँ पर भी आप। और एक ये यहाँ सामने रखा है जैसा कि आप देख रहे हो, ये कुछ इधर गेट रखे हुए हैं, कुछ इधर गेट रखे हुए हैं, सारे गेट अवेलेबल हैं यहाँ पर। आप देख रहे हो ये लोहे वाले, प्लास्टिक के, फाइबर के सब मिलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे आपको मिल तो सब कुछ जाएगा, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा, आपके अंदर थोड़ा पेशेंस होना चाहिए पूरी मार्केट घूमने का। अगर पूरी मार्केट घूमोगे नहीं तब तक यहाँ पे चीप प्राइस में मतलब इतने सस्ते दामों पे नहीं मिलेगा, आपको पूरी मार्केट ढूंढनी पड़ेगी यहाँ पे। ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि एक दुकान पर गया मिल गया, यहाँ ऐसा नहीं होता, लेकिन कहीं लगाओगे ढूंढ के तो सही रहेगा तुम्हारे लिए, वैसे कहीं सही। यहाँ पहना था महाराजा अग्रसेन द्वार पे, हम कहीं और घूम गए थे जाके, हमें बस इसी हम बिल्कुल इस चौक पर आए थे, सामने चौक पर आए थे और चौक से वापस घूम गए थे कि ये तो ये नहीं है, हमें रास्ता नहीं पता, फिर वापस गए हम दोबारा और वहीं ढूंढ के फिर वापस हमें यहीं आना पड़ा। वही तो चलो अभी देखते हैं जो काम करने के लिए वो करते हैं और जल्दी करते हैं। जो हमारा काम था वो तो हो गया पूरा, अब जा रहे हैं जहाँ से अपना गेट दिया था ना बनने के लिए, अब वहीं जा रहे हैं जल्दी जल्दी जल्दी, क्योंकि हमारा गेट तैयार हो चुका है, उन्होंने कॉल कर दिया हमें। और यहाँ पे
सेकेंड हैंड बाइक्स एंड स्कूटीज मिल जाती है, मतलब टू व्हीलर सब यहाँ पर सेकेंड हैंड मिल जाते हैं आपको। आप यहाँ पर आके देख सकते हो, जो आपको पसंद आए वहाँ ले जाओ। ये देख लो पूरी मार्केट है, यहाँ पर आप आके ढूंढ सकते हो जो आपको अच्छा लगे। यहाँ KTM, एविएटर, एक्टिवा सब मिलती है। गाइस अभी 6 बज गए हैं और घर पे कोई नहीं है, क्योंकि सब गए हुए मतलब बाहर कुछ काम से गए हुए हैं। बस हम दोनों, मैं और मेरा छोटा भाई है, वो बना रहे हैं यहाँ पे शिकंजी, और मैं भी तैयार करूँ इफ्तारी, मतलब बांटने का शुरू करते हैं काम जल्दी से चलते, क्योंकि 40 मिनट ही रह गए बस। सो गाइस, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी तो सुना ही होगा, मजबूरी का नाम हारिस भी सुन लियो आज। तो ये मैंने आधा तो काट दिया है, अभी अब जल्दी जल्दी से तैयारी करते हैं, क्योंकि जितना देर हम करते जाएंगे उतना ही टाइम बर्बाद होता जाएगा, और अगर लेट हो गए तो इफ्तारी करने में लेट हो जाएंगे। जल्दी से करते हैं इसको भी, इसके कपड़े उतारते हैं फटाफट हम। शिकंजी और ये डल रही है अब गिलास में, देख के भी सुकून मिल रहा है। ये आ गई हमारे सामने और ये हो गई हमारी तैयार आज की इफ्तारी रोज़ा की। आज बस हम, मैं और मेरा छोटा वाला भाई है, बस आज हम दोनों इफ्तारी कर रहे हैं, मतलब रोज़ा को ले आ चुकी, घर पे कोई नहीं है, काम से गए हुए हैं कुछ। अब चलिए आपको रोज़ा इफ्तार के बाद पाया, इस काफ़ी टाइम बाद मंगवाया हमने बर्गर क्लब से बर्गर, इसका बिल हमने कहीं फंसा दिया है, इधर इधर फंसा दिया कहीं पर। तो अब इसको जल्दी से खाते हैं, क्योंकि नहीं खाएंगे तो बुरा मान जाएगा बर्गर को, हम बुरा नहीं मनवाना चाहते बिल्कुल भी। जल्दी से खाते हैं।